जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआरए में डेवलपर की भूमिका के बारे में। देखिए, एसआरए में डेवलपर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भी प्रोजेक्ट खराब होता है या बनता है, सब डेवलपर की ही भूमिका के कारण होता है। देखिए, जब सोसाइटी टेनेंट ने डेवलपर को अपॉइंट कर दिया एज अ डेवलपर, तो डेवलपर की भूमिका चालू हो जाती है। लोगों की पात्रता, लोगों से एग्रीमेंट लेना, लोगों का झोपड़ा खाली कराना और उनको उचित रेंट देना और दिए हुए समय पे रिहैब बिल्डिंग बना करके उनका लॉटरी अलॉटमेंट करके उनको शिफ्टिंग देना, ये महत्वपूर्ण भूमिका डेवलपर की है, जिसमें डेवलपर हमेशा असफल हो जाता है। असफल क्यों होता है? क्योंकि पहले दिन से ही डेवलपर कुछ गलत मंसूबे लेके प्रोजेक्ट के अंदर आता है, और जब आपके मंसूबे गलत होंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। आप सोचोगे कि टेनेंट को लूटोगे तो ऑटोमेटिकली आप वह बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे जहाँ पे टेनेंट्स के चलते के राइट्स को आप खाते हो। तो ज़रूरी ये है कि देखिए, हर एक टेनेंट की पात्रता, देखिए ये जिम्मेदारी डेवलपर की ओवरऑल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उनकी पात्रता, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट लेने जाते हैं तब आप ये बात कहते हैं कि हम आपकी पात्रता करा के देंगे, तो ज़रूरी है कि उनकी पात्रता आप करा के दें। अगर नहीं हो पाती है तो उसका कोई अल्टरनेट विकल्प ढूँढें। भाड़े की बात आती है तो एरिया में जो विकनिटी में कम से कम फ्लैट का रेंट चल रहा है उस हिसाब से भाड़ा मिलना चाहिए, जिससे कि जो झोपड़ी धारक है वो भाड़ा पे करके रह सके। भाड़ा भी 11 महीने का एडवांस में मिलना चाहिए। उनका रेंट ख़त्म हो रहा है एक शेड्यूल, तो एडवांस में 11 महीने का उनको रेंट मिल जाना चाहिए एज़ पर सर्कुलर 153। ऐसे ही करके जब अगर यदि सब पात्र हैं झोपड़ी धारक, तो उनका उचित समय पे रिहैब बिल्डिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। रिहैब बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद में उनका लॉटरी अलॉटमेंट और उनको पोजीशन दे देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति छूटता है या तो अपात्र रहता है, तो डेवलपर कोशिश कर सकता है या तो उसकी पात्रता करा दे, कंप्लीट करा दे पात्रता, या तो उसको अपने सेल से अल्टरनेट अकोमोडेशन दे सके तो दे दे। ज़रूरी बात यह है कि डेवलपर जब पहले दिन जो कमिटमेंट करता है उसी कमिटमेंट पे लास्ट तक प्रोजेक्ट में उसे रहना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का सिर्फ एक ही शिकायत होता है, डेवलपर ने हमसे ये कमिटमेंट किया था और आज देने के लिए तैयार नहीं है। और हर एक प्रोजेक्ट में यही शिकायत है, एसआरए के हर एक प्रोजेक्ट में यही शिकायत है, क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड जो सोसाइटी है वो डेवलपर के साइड में हो जाती है, तो टेनेंट के साइड में रहने वाला कोई बंदा है ही नहीं, टेनेंट अकेला, हर एक टेनेंट अकेला है। तो जब कोई एमओयू हुआ नहीं रहता कि कमिटमेंट क्या क्या है, वो एमओयू के तौर पे होने चाहिए, लेकिन एमओयू हुआ नहीं रहता तो डेवलपर भी अपने कमिटमेंट से मुकर जाता है, जो कि हमें एमओयू करके लेना चाहिए। ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि डेवलपर को उसकी भूमिका पे बनाए रखने के लिए उनके साथ में उन शर्तों का एमओयू बनाए जो रजिस्टर्ड हो, जिससे डेवलपर अपने दिए हुए वचन पे कायम रहे लास्ट तक। और हर एक व्यक्ति एसआरए का जिसे भाड़ा मिलना चाहिए था और उसको लास्ट में उसका घर मिलना चाहिए था, तो वो सब कुछ उसे कायम रूप से मिले, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि सोसाइटी के भी मंसूबे अच्छे नहीं हैं, ना तो डेवलपर के मंसूबे क्लियर होते हैं। जो कमिटमेंट की जाती है उसको पूर्ण नहीं किया जाता है, जबकि पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेके ख़त्म करने तक
डेवलपर की ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। एक बार आपको डेवलपर नियुक्त कर दिया गया तब आपकी ही भूमिका आपकी ही भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट आपके ऊपर ही चलने वाला है। ना तो सोसाइटी इसमें इंटरफियर करने वाली है, ना तो टेनेंट्स इंटरफियर करने वाले हैं, लेकिन जब उनको उनके राइट्स, टेनेंट के राइट्स मिलते रहेंगे तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हर एक का कहना यही है कि हमारा डेवलपर ठीक नहीं है, क्योंकि डेवलपर के दिए हुए कमिटमेंट्स कभी फुलफिल होते ही नहीं है, वो भी SRA में। तो इसीलिए जो भी कमिटमेंट्स है लिखित में हो तो बहुत अच्छा है, और हर एक प्रति व्यक्ति को जो भी हमारे प्रोजेक्ट में SRA के प्रोजेक्ट में हो, वो डेवलपर जो कमिटमेंट करे उसकी पूर्ति भी करे, जिससे उनके प्रकल्प में जो भी व्यक्ति है उनको उनका घर मिले और कोई व्यक्ति छूटे ना। SRA के पूरे प्रोजेक्ट में डेवलपर की ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सोसाइटी कंसीडर करती है डेवलपर को, इसीलिए वो अपनी भूमिका नहीं निभा पाती है। और टेनेंट बढ़ जाते हैं, तो टेनेंट जब बढ़ जाते हैं तब वो भी एक डेवलपर और सोसाइटी से नहीं लड़ पाते। तो ज़रूरी ये है कि लड़े ना, डेवलपर, सोसाइटी, टेनेंट सब एक मंच पे आके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, टेनेंट को उनका घर मिले, सोसाइटी को उनके एमिनिटीज़ मिले और डेवलपर को अपना प्रॉफिट मिले, यही उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे ही जाके प्रकल्प कंप्लीट हो पाएंगे, लेकिन डेवलपर को इसको इसके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि डेवलपर ही, देखिए आप गलत मंसूबे से काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट भी गलत ही जाएगा। तो ज़रूरी है, डेवलपर्स से मेरा निवेदन भी है कि कृपया करके लोगों को उनके दिए हुए घर मुहैया करवाएं, उनको टाइम टू टाइम भाड़ा दिलवाएं, और जो भी आपने कमिटमेंट किए हों, डिमांड्स किए हों, तो उनको SRA के ऐसे ही मुद्दे हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, आपका कोई भी परामर्श हो या हमसे कोई परामर्श लेना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके लिए SRA के मुद्दों पे काम करते रहेंगे। चलिए विदा लेते हैं, जय हिंद, जय भारत।